Hey there, subscribe to my channel and also press the bell icon to get the latest news updates and the notification. अगली खबर मराठा आंदोलन से जुड़ी हुई। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर जारी मराठा आंदोलन अब हिंसक हो गया है। कई शहरों में आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच मराठा क्रांति मोर्चा समन्वय समिति ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान कर दिया है। बंद के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवा, एम्बुलेंस और अति आवश्यक सेवाओं को बंद से अलग रखा गया है। समिति ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में उनका आंदोलन तेज हो जाएगा। बंद के ऐलान के बाद राज्य में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया। नवी मुंबई में बीती रात मराठा आंदोलनकारी हिंसक हो गए थे। उन्होंने टायरों में आग लगाकर ट्रैफिक रोकने की कोशिश की थी। वहीं पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक कार्यक्रम में पहुंचे तो आंदोलनकारी वहां भी पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों के हंगामे के कारण सीएम फडणवीस को कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने बस डिपो पर भी हमला किया और सड़कों पर खड़ी बसों में तोड़फोड़ और आगजनी की। वहीं लोग अपना सिर मुड़वाकर भी सरकार के खिलाफ यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र बंद का ऐलान, मराठा आंदोलन काफी तेज हो चुका है और उग्र हो चुका है। आरक्षण की मांग को लेकर यहां लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं। कई जगहों पर ट्रैफिक रोकने की कोशिश की गई और सड़कों के बीच टायर जलाए गए।